नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर में बंदर का आना शुभ होता है या अशुभ। अगर आपके घर में या आपके छत पर या आपके आसपास में बंदर आ जाता है तो यह शुभ संकेत होता है या अशुभ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, कई बार उछल कूद करते हुए कभी कभी बंदर हमारे घर में आ जाते हैं। ऐसे में हम यह सोचने लगते हैं कि बंदर का आना क्या संकेत होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई फेस्टिवल के दिन बंदर आपके घर में या आपके छत पे या घर के आसपास आ जाता है तो यह शुभ माना जाता है। घर में खुशहाली, सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। बाकी दिनों में अगर बंदर आ जाता है तो उसके सामान्य फल होते हैं, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन ध्यान रहे, बंदर अगर आपके घर में या घर के आसपास है तो उसे छेड़े नहीं, क्योंकि वो आप पर हमला भी कर सकता है, आपके सामान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि आप घर से किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और उस समय किसी के मुख से बंदर का स्वर सुन लेते हैं तो यह शुभ नहीं होता है और ना ही सुबह सुबह बंदर बोलना या सुनना सही होता है। सुंदरकांड में स्वयं हनुमान जी बताते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही ना मिले आहारा, यानी सुबह सुबह बंदर नाम लेने से आपको दिन भर खाना नहीं मिल पाता है। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे आप खाना नहीं खा पाते हैं या फिर आप दिन भर परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल से प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।